हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करते हैं ये खुदरी, ये देखिए ये खुदरी है। ये खुदरी का कलर कैसा होता है ये देखिए। ये पहले हरा होता है, उसका बाद देखिए ये कैसा हो रहा है। ये लाल सा हो रहा है पूरा, ये पूरा लाल होगा। ये देखिए ये खुदरी है। अगर आप लोग का पहला फल है तो आप लोग पहचान सकते हो खुदरी कैसा होता है। पहले ये लाल होगा, अगर ऐसे ही कलर है तो आपका खुदरी हो सकता है। बाकी ऐसे ही बड़ा बड़ा दाना एक आता है जो नो नेम होता है, वो बलदिया, जो कोई काम का नहीं होता है। वो खजूर इतना ही बड़ा बड़ा दाना भी रहता है उसका, लेकिन वो पीला टाइप, पीला और थोड़ा लाल लाल सा होता है वो, लेकिन खुदरी नहीं है। वो पकने के बाद भी सूखा जैसा दिखाई देता है, तो आप लोग पहचान सकते हैं खुदरी कैसा होता है। देखिए ये पूरा लाल रहेगा ये, और ये पक जाएगा तो इसका बाद ये थोड़ा डार्क रेड रहेगा। आप लोग पहचान सकते हैं, देखिए ये पूरा लाल हो जाएगा, उसका बाद पकेगा, फिर उसका बाद डार्क रेड होगा, थोड़ा सा पूरा रेड नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए दाना कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये देखिए अभी इसका कलर चेंज होने का टाइम है। अगर आप लोग को पहला फल है अगर पता नहीं है तो उसका कलर कैसा होता है, तो आप लोग देख सकते हो ऐसा ही होता है ये लाल सा। ये पूरा लाल हो जाएगा, उसका बाद पकेगा, पकने के बाद डार्क रेड रहेगा कलर इसका। ये देखिए कैसा कलर चेंज हो रहा है सब खजूर का। ये सब खुदरी है, आप लोग देख सकते हो। देखिए कलर अगर आप लोग दवा नहीं मारे हो तो आप लोग दवा मारिए, फिर उसका बाद बोरी या बैग लगाइए खजूर पर, तब आपका दाना भी सुरक्षित रहेगा, कीड़ा वगैरह नहीं लग पाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।